हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से। कहाँ पे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबल ट्रेड और सैलरी कितना मिलने वाला है, अदर बेनिफिट क्या कैसा है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करेंगे आप। यदि आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएंगी और बाद में आप कमेंट करेंगे या फिर इधर उधर जानकारी सर्च करते घूमेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कैंपस सिलेक्शन, या जो सिलेक्शन है आपका कैंपस के माध्यम से किया जाएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म नहीं कराए जाएंगे। इसमें NCBT और SCBT किसी भी माध्यम से आपने ITI पास कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, आप इसमें जा सकते हैं। और यह कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल फ्री किया जाता है। इसके लिए यदि आपसे कोई चार्ज मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पे बताया गया है सुजुकी मोटर गुजरात ITI पास के लिए रोज़गार का सुनहरा अवसर। इसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 50% नंबरों के साथ में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया होना चाहिए और आपका हाई स्कूल रेगुलर होना चाहिए। 50% से अधिक नंबरों के साथ में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया हो, 50% हाई स्कूल में कंपलसरी हैं। उसी प्रकार से ITI में 60% नंबर कंपलसरी हैं। यदि ज़्यादा होते हैं तो और भी अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 ईयर तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट का उम्र 18 कंप्लीट हो चुका है और 23 साल से कम है तो वो सभी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। पास आउट ईयर की बात करें तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में जितने भी कैंडिडेट ने ITI कंप्लीट किया है, ITI से पास आउट हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। यह जो कैंपस प्लेसमेंट है यह सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए लगाया जा रहा है, ना कि इसमें फीमेल कैंडिडेट जा सकती हैं। और महिलाओं के लिए यह कंपनी कैंपस नहीं लगा रही है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो यहाँ पर एलिजिबल ट्रेड हैं जो कि फिटर, टर्नर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल डाई मेकर, PPO मैकेनिस्ट, ट्रैक्टर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर जर्नल, ऑटोमोबाइल COE, इतनी ट्रेडें इसमें एलिजिबल हैं। इन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो आप इसमें जा सकते हैं, सुजुकी मोटर गुजरात में जॉब कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपका 20,100 रुपये CTC सैलरी रहने वाला है पर मंथ। तो सैलरी भी अच्छा है और इतनी ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें जा सकते हैं। अब इसमें आपका जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है उसकी बात कर लें तो यहाँ पे आपका रिटेन और इंटरव्यू का डेट बताया गया है 25 अक्टूबर 2021 25 10 2021 को आपको 9:10 बजे सुबह AM में जाना है, जहाँ पर आपका परीक्षा और इंटरव्यू होगा। कैंपस स्थल की बात करें या कैंपस सिलेक्शन परीक्षा स्थल की बात करें तो यह गवर्नमेंट ITI देवघर झारखंड में इसका कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है। जितने भी कैंडिडेट झारखंड के हैं वो सभी इसमें जा सकते हैं। देवघर में जो सरकारी ITI कॉलेज है वहाँ पर इसका कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है। तो सभी कैंडिडेट जितने भी इंटरेस्टेड हैं सुजुकी मोटर गुजरात में जॉब करने के लिए वो सभी इसमें जाएंगे। इसमें बताया गया है नोट में कि उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अवश्य लाएँ, जैसे कि बायोडाटा, इससे रिज्यूम आप बनवा के ले जाएंगे, आधार कार्ड, फोटो, मैट्रिक एवं ITI पास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने हैं। अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत पड़ता है या उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है आपके डॉक्यूमेंट में तो तुरंत ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे। इसके बाद में सैलरी तो बता ही दिया है, 20,100 रुपये आपका CTC सैलरी रहने वाला है। इसके बाद यदि आपको कैंपस में पहुंचने से कोई भी दिक्कत होता है तो आप इन चार कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। या कैंपस में पहुंचने से आप पास में पहुंच गए हैं, लेट हो गए हैं तो आप इन पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इनकी सहायता से आप कैंपस तक पहुँच सकते हैं।
वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।